यार मम्मी टाइम पे क्यों फोन किया पता है ना, मैं सोता हूँ। अब क्या करे बेटा, जब 9 महीने पेट में रखा था तो थोड़े ना पता था कि बेटे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब ये सुबह सुबह नाटक मत शुरू करो, और ये इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पोता हुआ है? हार्ट अटैक आ जाएगा पापा को, आजकल हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। बकवास बंद कर, थप्पड़ दूंगी खींच के। चल जल्दी से तैयार हो जा, जूम कॉल का इनवाइट भेजा है। मैं कोई फैमिली रियूनियन नहीं अटेंड करने वाला फिर से। 15 मिनट। ए यार गलती करती सिखा के। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? लगता है अभी सो के उठे हैं साहबजादे, क्यों? अरे नहीं नहीं, ये तो सुबह 6 बजे उठ जाता है, और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का दिन तो सुबह एक्सरसाइज करने के बाद ही शुरू होता है। मम्मी ये सब क्या है? बेटा ये चतुर्वेदी साहब हैं, अपनी बेटी पायल का रिश्ता लेकर आए। रिश्ता, शादी? पापा मैंने आपको बोला था कि अरे हम कौन सा अभी शादी करवा रहे हैं, बात करने में क्या हर्ज है? नो नहीं बेटा, मेहमान आए हैं, थोड़ा तो लिहाज करो। चलो पैरी पहना करो। जीते रहो बेटा। वो भाभी जी, मैंने शगुन के 151 रुपये आपको गूगल पे कर दिए हैं, ठीक है ना जी? अरे बहन जी, अब ये फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? वैसे एक बात बताऊं आपको, जब इसकी बहन का रिश्ता लेके गए थे वो दिखाई पूरे 501 रुपये दिए थे पर आजकल इन भक्तों को कौन मानता है? अरे भाभी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अरे आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। और भाई साहब कितने प्यार से बनाई है भाभी जी ने चाय, प्लीज। हाँ जी आप भी लीजिए। और पायल बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। जी मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का भी प्लान है, और साइड बाय साइड कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पापा शी इज क्वाइट यंग, जब वो पैदा हुई थी मैं शक्तिमान देख रहा था। अरे बेटा ये 4-5 साल का फर्क, ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा वो तो ठीक है बेटा, पर घर के कुछ काम वाम कर लेती हो या नहीं? वैसे तो हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, पर बच्चे बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं, तो लड़कियों को ही संभालना पड़ता है ना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, घर के सारे काम अच्छे से जानती है, करती नहीं अलग बात है। ये सब ये इसी ने तो बनाया सब। अब देखिए बहन जी, लड़कियों को तो कड़ी पत्ते की तरह होना चाहिए, जिसमें डाल दो स्वाद बढ़ा दे। हाँ फिर चाहे उसकी खुद की कोई सब्जी हो चाहे ना हो। और बेटा आप बताओ कितना कमा लेते हो? जी जी यही कुछ पूरे 50,000 रुपए, आने जाने के लिए गाड़ी और रहने को घर भी। मम्मी अब इसमें शर्माना कैसा भाई? अब बेटा एक बात बताइए, आजकल तो सब कुछ बंद है, तो काम कैसे चल रहा है आपका? वर्क फ्रॉम होम अंकल। हाँ भाई मुंबई में तो सारे काम काज बंद है, शूटिंग भी, मैंने तो खुद 3 महीने से नागिन नहीं देखा। अरे क्या बात करती हो, घर में इतने सारे शीशे लगवा रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे? भाई साहब आप मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हैं, क्या बात है। हाँ वो तो इनकी पुरानी आदत है। वैसे भाई साहब हमें रिश्तों की कमी नहीं है, लोग ना जाने गाड़ी जेवर क्या क्या देने को तैयार हैं, पर हम भी कोई डिमांडिंग नहीं है। अब आप भी कुछ बोलोगे? हाँ बिल्कुल, पर घर बिरादरी को भी हमें ही संभालना पड़ता है ना। अब एक मुंह और 100 बातें, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक है साहब, हम जानते हैं, हम भी समाज में ही रहते हैं ना।
एक मिनट, ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं आप लोग? ये बड़ों के मसले हैं बेटा, आप इनमें मत पड़ो। अब शादी ब्याह के मामले में ये सब बातें तो होती है ना। वैसे जमाना काफी बदल गया है, शायद इसीलिए बच्चे हिचकिचा रहे हैं। बस आप लोग नहीं बदले, आपको नजर नहीं आ रहा वो ये शादी नहीं करना चाहती? इनफैक्ट मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। अरे अरे बेटा, अब बचता ही क्या है, सेटल्ड हो, उम्र भी हो गई है और शादी तो करनी है ना एक ना एक दिन। बात वो नहीं है। तो क्या बात है? आई एम गे, मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। मैं 50-25 हज़ार कमाता हूँ, गाड़ी से नहीं बाइक से ऑफिस जाता हूँ, और किसी कंपनी के घर में नहीं एक वन रूम किचन अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता हूँ। वैसे ये लड़का पंडित है क्या? What? Like really? You know what? आप लोगों से बात करने ही बेकार है, कम से कम मुझे अब ये सब तमाशा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड बाय। मम्मी पापा, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और हम 3 साल से साथ हैं। अगर मुझे शादी करनी भी होगी तो मैं उसी से करूँगी, वो भी अपने एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद। और उसके घर वालों को कुछ लेने देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहन जी, वो 151 रुपये आप रिफंड कर देंगी? Hi everyone, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon below for more fun stuff coming your way.